देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पकड़ी मम्मा, पकड़े 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 मम्मा, ये ये आप तो हमनी के पकड़ी ना सके ली, ये ना पकड़ सके नी, ये ना पकड़ सके, ये ये ना पकड़ सके नी, पकड़ लेनी। बस बहुत हो गई मस्ती, अब जाई सुत जाई। काहे सुत जाई, पापा भी आयल बानी ना, तब पापा के साथ भी खेलब हमनी। अंशम कहनी ना, बहुत देर हो गई बा, सुत जा। ना मम्मा, हमनी के खेले के बा पकड़ा पकड़ी। पलक जिद मत करा, सुनाए ना देलस मम्मा का कहली। बहुत लेट हो गई बा, जाके सो जाइए आप लोग। हमने खेला पकड़ा पकड़ी, बहुत मजा आई, याद बा मुंबई में। बस अंश, सो जाइए आप दोनों। आप मम्मा काहे नाराज हो गई ली, तो हमेशा हमने के साथ खेले ली, तो आज पापा से इतना नाराज काहे हो गई ली। इतना उदास होकला के कोनो जरूरत नहीं है। मम्मा नाराज नहीं की बेटा, थक गए हो, ये नहीं से खेले से मना कर दे लिया, कल हमने के साथ मिलके खेलल जाए, ठीक बा? अब जल्दी से सुत जा, पापा आपके अच्छा से स्टोरी सुनाई है, ठीक बा? ओके। फाइनली हम बहुत खुश बानी परी, यश भैया और आरती भाभी के बीच में जोन भी गलत फहमी रहल सब दूर हो गई, एक एक कहल जला सच्चा प्यार। कितना नाराज रह लेना यश भैया, और अब दोनों एक दूसरा के साथ ऐसा बाड़े जिसे कुछ भले ही नहीं खे बाना। तो क्या पता बा, यश भैया और आरती भाभी की तरह हमने कभी पुरान बात भुला देवे की चाहिए। जोन झगड़ा बहस और मिस अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में रहल, वो याद रखे के कौनो मतलब नहीं के। हाँ, सिर्फ एक ही बात याद रखे के होगी कि हम दोनों एक दूसरा से बहुत प्यार कैले बानी और करत रहब, आज से बल्कि अभी से हमने एगो नया जिंदगी के शुरुआत करब। और हम तो सोच ले बानी कि हम तोहरा से इतना प्यार करब बल्कि उसे कहीं ज्यादा, जितना कि आरती भाभी यश भैया से करेली। चला, आरती भाभी और यश भैया के कारण ही सही तोहरा के हमरा पर प्यार था, पर ना प्रतीक, हम तो भूल ही गेल रहनी कि हमने के लव मैरिज भेल बा। पर ये आज भी नाइट शूट बा, हाँ प्रतीक, एक्चुअली डायरेक्टर के कोनो काम से बाहर जाए के पड़े, तो वो नाइट शिफ्ट रख दिया ने और हम मना ना कर पे नहीं, का करे, ड्यूटी तो ड्यूटी हो खेला ना। अच्छा, जाए से पहले यश भैया और आरती भाभी से मिलत जाइए, वो कहा ना कि बॉक्सिंग कंपटीशन के वक्त पूरा फैमिली उनका संगे रहल, और तू ना, और जब घरे ही नहीं तब भी उनका वेलकम खातिर ना। तू चाहे लगा अपन सारा काम छोड़ के, अपन शूट छोड़ के घर बैठ के यश भैया और आरती भाभी की तमाशा देखी। तमाशा और ना, तो का प्रतीक, प्रतीक आई डोंट अंडरस्टैंड कि यश भैया के प्रॉब्लम का है, उनके पहली बीबी के गुजरे इतना साल हो गए तो उनके भुला का निखा जात, आरती भाभी के साथ उनका शादी भइल बा ना, तो उनके अपना का निखा ले तू, और यश भैया जब अपने पहला बीबी के भुला निखा पावत तो आरती भाभी ऐसा काहे बड़ी चली काहे निखा जात अपने घर। प्रतीक जो रिश्ता में प्यार का नामो निशान नहीं खे, ओकरा घसीटे के का फायदा, इस शादी के नाम पर कोनो मजबूरी हो गई का? जस्ट स्टॉप इट परी, तोहरा जैसे लड़की का जानी की शादी के इम्पोर्टेंस का होखेला, प्यार रिश्ता ये कुछ वर्ड्स बात तोहरा खातिर। यश भैया के दूसरा शादी भई रहा, वो भी अरेंज मैरिज, ओकरा बावजूद भी उनके अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग बा, और हमनी के तो लव मैरिज भई रहा ना। गॉड, थक गई बानी हम तोरे सवाल के जवाब दे दे। सवाल करी तो का करी हम परी, तो से ये कहनी ना हम कि आरती भाभी की जैसन बन जा या उनका परछाई की जैसन, बट आई एम सॉरी परी, तू ये सब चीज से कोसो दूर भाड़ू, यू आर सेल्फिश परी, तो के सिर्फ आपन ही ख्याल बा और केहू के ना। तू हमरा के सेल्फिश कहले प्रतीक, हमरा के का अपने सपना के पूरा कल खुद गर्जी है ना,
लेकिन अपना सपना के पूरा करे खातिर अपना घर वालों के भूल जाए सिर्फ स्वार्थ अकेला परिधि करना। ओ, ता अब हम मिसेस प्रतीक सिंधिया से मिस परिधि खन्ना बन गए नी, राइट? ओके, अब हमरा के समझ में आए कि तू हमरा के सेल्फिश काहे कह रहल बड़ा, काहे कि तुहार ते कोनो सपना है ही नहीं खे और ना ही उनका पूरा करे के कोनो लगन। तू तो अपने भाई के परछाई हुआ जो जिंदगी भर भैया भैया कह के अपन सर झुकावे ले और उनका बैग लेके उनके पीछे पीछे घूमत रह ले। वाह, कम से कम आज सच सामने तो आई, यह इज्जत बना तो नजर में अपना हस्बैंड के, यह सोचे लू ना तू हमरा बारे में? हाँ, यह सोचे नी, सच कहता नहीं हम प्रतीक और सच कड़वा हो खेला। जस्ट गेट आउट परी, हम तो हर शकल भी नहीं की दिखल चाह। चिल्ला मत प्रतीक, हम जा रहल बानी। हमरा आवे से पहले तो आरती जी बहुत खुश रहली बच्चन के साथ है। हमरा के देखते ही अजीब तरीका से बिहेव कह करे लगली। बच्चा लोग से ये तरह से कबो ना बात करत रह लिया हो, आज का हो गए? आज मन ना होते भी हमरा बच्चा लोग पे नाराज होके के पड़ल और करती भी का हम, हमरा खुद के आपसे दूर रखे के ही हुई यश जी, आपके खुशी खातिर हमरा अपन भावना के काबू में रखे के हुई। काहे कि हम जान गए बानी कि आप ना चाहले कि हमने के बीच में पति पत्नी के रिश्ता रहे, यही से हमें घर में सिर्फ बच्चन के माँ बन के ही रहब।
तोहार वापस आवे से घर के रौनक लौट आई ला आरती। सच कही तो बहुत अकेला पड़ गई रहनी हमेजा, लेकिन अब हमने देवरानी जेठानी मिलके बहुत सारा गप्पा मारा। अगर जेठानी देवरानी के मंजूर हो तो हम भी गप मारे में शामिल हो जाए। कहा कि हमके भी गप मारे के बहुत मन हो रहा ला। नमस्ते आंटी, नमस्ते। अच्छा गायत्री जी के कोनो खबर? कैसन तबियत है अब उनकर? हमार बात भयल रहे उनकरा से, ऑपरेशन के बाद आराम कर रहल बानी। आरती और यश भैया से भी बात भयल उनकर? बहुत खुश भैनी, ई तो वाकई बहुत खुशी के बात है। हम भी बस मंदिर ही जात रहनी भगवान के प्रसाद चढ़ावे और धन्यवाद देवे कि इतना खुशी के खबर देले बाड़ी हमनी सबके। गायत्री जी और हम, माँ आप चाय पियब? फोन बज रहा है, आप बात करिए, हम अभी आवतानी। आरती, तू घर वालन के बतैलू ना कि तू माँ बने वाला बाड़? यश जी के भी ना? काहे आरती, अब तो सब कुछ ठीक हो गयला। यश जी के पश्चाताप भी पूरा हो गयला, तू अपन घर वापस लौट के आ गयल बाड़ू, तो फिर कौन से बात है जो तोके रोक रहा ला? देखा आरती, हम पहले तोके रोकले रहने की अभी तू यश जी के कुछो मत बतावा, पर अब तक सब कुछ ठीक हो गयला। यश जी के कोनो बात के कोनो शिकायत ना, अब तक तोके बता देवे के चाहे। देखा आरती, पहले ही हमने ये लोगन से एगो बहुत बड़ सच छुपैनी है। उनकरा से छिपैनी है कि तोहार पहला पति प्रशांत अभी भी जिंदा है। बार बार ये बात हमार दिल के कचोटे लाकी कि कहीं सच के कोनो दिन सामना हो गयल था तोके भी तई दुख तकलीफ देवे लाना। मन ही मन कोसत रहेलू तू खुद के, ऐसे में आरती यश जी से गौर बात छिपावल हमके अच्छा न लग रहा ला। हम ना चाहेनी कि कोनो भी वजह से तू दोनों के शादीशुदा जिंदगी में फिर से कोनो परेशानी आए। जा बेटा जा, जा और जाके बता दे यश जी के कि तू माँ बने वाला बाड़ू। माँ हम बताई तो कैसे बताए? समझ में ना बता, जब उनका ही बात पता चली तो कैसे रिएक्ट करिए? आप तो जाने नहीं ना हमने के बीच जौन कुछ भी भयल होकर वजह से वो कितना अपसेट बाड़े। अपने आप के कौन कौन तरह सजा देत रहले, प्रायश्चित करत रहले, और अब अगर उनका पता चलल कि हम माँ बने वाला बानी था। माँ इतना मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल भयल बा, यह जी वापस से मुस्कुरावत अड़े, बच्चलों के साथ खुश बाड़े, हम उनका और तकलीफ ना देवे चाहता नहीं। हमरा खातिर ही ज्यादा जरूरी बा कि यश जी खुश बाड़े, बाकी हमरा और कुछ ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो के जब लगे कि सही समय आ गए ला, हालात ठीक है, ते बात बता दिया। और हाँ आरती, ज्यादा देर मत करिया, चल अब हम चले नी मंदिर जाए क्या हमके। न जाने कब हालात ठीक हुई हैं और कब हम सबके बता पाए कि हम ला जे बात बतावे आयल रहने हो तो भूले गए नहीं। डॉक्टर के फोन आयल रहे हो, कुछ दवाई बतावे चाहे नहीं, कुछ टॉनिक लेवे की सलाह देले बानी, और चेकअप खातिर तो से मिले भी चाहे नहीं। तो के एक दो बार फोन भी कर ले रहनी, पर तू फोन ही ना उठाए लू। मोबाइल कहाँ है तुहार? ये तबा माँ, फोन तो रूम में रखल बा, और यश जी भी रूम में ही बाड़े, हम जाके लेके आवतानी, कहीं डॉक्टर से वो बात कर ले तो उनका के। I'm gonna
आरती जी, आपके फोन पर डॉक्टर कुरियन के मैसेज आ गया। आपके उंगरा साथ है अपॉइंटमेंट पा का भेल आरती जी, आप ठीक तो बानी ना? आपकी तबीयत कैसन बा? बोली आरती जी, आप ठीक तो बानी ना? जहां तक हमरा पता बा, डॉक्टर कुरियन भोपाल के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बाड़ी। आपके गायनेकोलॉजिस्ट के जरूरत का है पड़ा? बोली आरती जी, सब ठीक था बना? आप चुप का है बानी? आप ठीक था बानी ना? एक प्रॉब्लम बा, हम आपसे डिस्कस ना कर सके नहीं। आपके फोन सबसे बड़ खुशी के बात के आज प्रॉब्लम कहे के पड़ा था हमरा के। हर औरत सबसे पहले एक खुशखबरी अपन पति के ही बतावे ली, और एगो हम इतना मजबूर बानी कि खुशी के ही बात के हमरा यश जी से छुपावे के पड़ रहा बा। आरती जी, जहां हमार मीटिंग बा वही रास्ता में डॉक्टर कुरियन के हॉस्पिटल भी बा। हम मीटिंग में जात जात आपके ओजा ड्रॉप कर दे। जी ना, हम माँ से बात कर ले रानी, वो आ गए बाड़ी, हम उनका साथ ही चल जाए। थैंक यू। I love you परी, तोहरा पर इतना नाराज होखल चिल्लाइल हमके बिल्कुल अच्छा ना लागेला, लेकिन हमरा फैमिली की तरफ तोहर ये तरह के बर्ताव हम ना सहन कर पावेनी। ना तो हर तक कोनो सपना है ये नहीं खे, और ना ही उनके पूरा करे के कोनो लगन। तू तो अपने भाइयों के परछाई हुआ, जो जिंदगी भर भैया भैया का क्या पल सर झुका होता और उनका बैग लेके उनके पीछे पीछे घूमत रहता। हर बार हम ही कहे झुकी, प्यार का सिर्फ हम ही के लिए बानी परी ना। रोल, एक्शन। दोस्तों, आज हम वो सपना के बात करे जा रहल बानी जोन इंसान के नया पंख देला। तोहरा जैसन लड़की का जाने की शादी के इम्पोर्टेंस का होखेला? प्यार रिश्ता ये कुछ वर्ड्स बात तोहरा खातिर। एगो अच्छा और सच्चा जीवन साथी के तलाश और चाहत केकरा के ना होखेला। यू आर सेल्फिश परी,
तो अगर सिर्फ आपन ही ख्याल बा और दूसरन के ना प्यार के रंग में रंग गई लेके चाहत कट 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 अरे का कर रहल बड़ू तू का हो गेल बे तोरा इतना अच्छा प्यार के डायलॉग्स और तोहर चेहरा पे उदासी तोहर चेहरा के मुस्कुराहट कहाँ गई जकरा व्यूअर्स देखल चाहे ले रियली सॉरी सर हमरा के सिर्फ एक मिनट दे दी प्लीज ओके थैंक यू आप आई आज तो बहुत रोडले बात कैला हमरा से प्रतीक रह रहे के हुए याद आ रहल बा काम में मन नहीं लागत प्रतीक कैसे कह देला कि तू हम सेल्फिश है प्रतीक कैसे परी का बात बा तू इतना अपसेट कहे पड़ू अपसेट ना ना आई एम फाइन रियली तो हर मुस्कुराहट के पीछे छुपल दर्द के देख सकता नहीं परी तू चाहे कुछ भी कहा कोनो न कोनो बात जरूर बा कोनो प्रॉब्लम नहीं खे सब ठीक बा ओके तू कहा तड़ू तो हम मान लेता नहीं लेकिन परी एक बात हमेशा याद रखिया जब भी कोनो तकलीफ शेयर करे के मन होके तब हम बानी ना हम क्या अपन दोस्त समझिया श्योर सर थैंक यू बाहर वाला बिना कुछ कहे सब अच्छा ले कि हम परेशान बानी उदास बानी लेकिन हमारा हस्बैंड हमरे हस्बैंड के जैसे कोनो परवाह ही नहीं के कबो कबो कुछ समझल ही नहीं चाहेला प्रतीक काबिल डॉक्टर सब ठीक बना हमार बच्चा देखा आरती हम तोहरा के स्ट्रेस नहीं देहल चाहत मगर हम झूठ भी ना बोल सके नहीं बच्चा के ग्रोथ ठीक से नहीं खे मतलब कि जितना होके के चाहिए उसे बहुत कम बा एगो प्रेगनेंसी का रेयर केस है जकरा के हमने यूटिन यूनिवर्सल कहल जाला एमे चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस पूरा तरह से उल्टा हो जाला इनसाइड आउट और ई मेडिकल कंडीशन माँ खातिर खतरनाक साबित हो सकेला ई एगो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है एंड आई थिंक आपके ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करे के चाहिए आप का कहता नहीं डॉक्टर हमरे लगता आपके कोनो गलत फहमी बहिल बा आपके ही टेस्ट रिपोर्ट भी तो गलत हो सके है ना देखी हम बिल्कुल ठीक बानी हमरा हेल्थ से रिलेटेड कोनो प्रॉब्लम नहीं खे हम ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सके नहीं डॉक्टर और हम करब हम ही बच्चा के जन्म देवे चाहे नहीं आप प्लीज एक बार अपन फिर से रिपोर्ट चेक करी काम डाउन आरती हम जानते नहीं कि तू पूरा तरह हेल्दी बाड़ू मगर ये भाग दौड़ वाले जिंदगी में स्ट्रेस नाम की जो बीमारी बा ना वो अपने साथ साथ कई कॉम्प्लिकेशंस लेके आवेले और आपके केस में भी यही भइल बा देखी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होखेला इलाज होखेला आप ही कोनो सॉल्यूशन ढूंढी ना हम कोनो भी कीमत पे अपनी बच्चा के जन्म देवे चाहे नहीं डॉक्टर आप हमार बात समझी डॉक्टर होखला से पहले हम एगो औरत है आपके इमोशन हम समझ सके नहीं मगर जहाँ सवाल जिंदगी के साथ जुड़ल होखे
तो दिल से ना दिमाग से काम लेवे के पड़ेला। बच्चा के साथ साथ आपके जिंदगी के भी खतरा बा, और ऐसा सिचुएशन में हम तो आपके ये सजेस्ट करब कि आपके अबॉर्शन करवा लेवे के चाहिए। ना डॉक्टर, हम ऐसा ना कर सके नहीं। हमरा के कुछ भी करके ये बच्चा के दुनिया में लावे के ही बा, हम अबॉर्शन बिल्कुल ना करवा सके नहीं डॉक्टर प्लीज। देखिए आप हाइपर का है हो रहा बानी, आप फिर से कंसीव कर सके नहीं, ये खुशी आपके जिंदगी में दोबारा आ सकेला, ये कोनो आखिरी चांस ना हा। ये वक्त आपके आपन हेल्थ के बारे में सोचे के चाहिए। हम आपके डरावत नहीं थी, मगर ये प्रेगनेंसी आपके जान भी ले सके। हम अपन जान के परवाह बाही ना डॉक्टर, माँ प्लीज, हमरा के अपन जान के बिल्कुल भी परवाह नहीं है डॉक्टर, लेकिन लेकिन प्लीज आप कुछ भी करी, हम ही बच्चा की दुनिया में लावे चाहे नहीं। नन्हा सा जान के हर पल महसूस कर रहल बानी हम, हमार सांस जुड़ल बा एकर सांस से, हमार हिस्सा बाई, और आप कहता नहीं कि ना डॉक्टर, हम आपके हर बात माने खातिर तैयार बानी, लेकिन अबॉर्शन ना, हम आपके कोनो भी बात के मान लेब, लेकिन ये बात के ना मान सके नहीं डॉक्टर प्लीज, हमार विनती बाप से प्लीज डॉक्टर। ओके, एज यू विश। अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे चाहते नहीं, तो एक केस में हम आपके एको सर्जरी कर सके नहीं, जिसमें यूट्रस के हमने के वापस वही जगह पर पुश कर सके नहीं, मगर ये बहुत ही पेनफुल हो खेला। हम कोनो भी दर्द बर्दाश्त करे खातिर तैयार बनी, लेकिन ये बच्चा के खोवे के दर्द हम बर्दाश्त ना कर पाई। ठीक बा, लेकिन कोनो भी डिसीजन लेवे से पहले हमके आपके पति से मिले के होखे। बच्चा के फादर होके के नाते उनका ही जानल बहुत जरूरी बाकी, अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे नहीं तो आपके जान के कितना बड़ा खतरा बा। उनके रजामंदी के बिना हमने आपके बच्चा के ना बचा पावल जाए। भैया ये इंदौर वाली पार्टी के फाइल आप मंगो ले रहनी। थैंक्स प्रतीक। अच्छा वो टेंट वाला का पेमेंट क्लियर हो गया का? बस भैया हम चेक दे भी जा रहा बनी। प्रतीक जी। भैया ओ कृष्णा, बताए ना भैया। का भाई? तारा ने कहा लगत के आरती जी के बिहेवियर कुछ बदलल सा लगा था। ना तो भैया, शी इज क्वाइट नॉर्मल। पहले की तरह सबसे हंस के बात कर रहल बाड़ी और सबका ख्याल भी रखत बाड़ी। आपका है पूछनी? कुछ भइल का? ना कुछ ना, ऐसे। आप बहुत लकी बानी भैया जोन आपके आरती भाभी के साथ मिलल। काश परी भी इतना लविंग और केयरिंग होखत तो हमनी के लव मैरिज में प्रॉब्लम ना आईत। बदलल आरती भाभी नहीं की, बदलल तब परी भी आ, इतना कि हम ओके पहचान भी नहीं की पा रहा। Thank you.
हमरा साथ ऐसा काहे हो गया लम्मा काहे हम एकरा की कुछ ना होके दे हमार रहते ही हमार बच्चा के कुछ ना हो सकेला माँ एक रही दुनिया में हम ला के ही रहब माँ कौनो तकलीफ कौनो मुसीबत ना आवे दे एकरा पर इतना बड़ फैसला तू अकेले कैसे ले सकेलू आरती अभी तोहार जिंदगी सिर्फ तोहार ना एकरे साथ कई लोगन के जिंदगी जुड़ल है अपन दूसर बच्चन के बारे में सोचा आरती भगवान ना कर अगर तो के कुछ हो गए तो तू सोच ले भाड़ू पलक पायल और अंश के कहा होके हम जाना तानी माँ लेकिन आप ही बताइए हम का करी हम अपन कौनों भी बच्चा के साथ ना इंसाफी होते ना देख सके नी माँ अंश पलक और पायल के आंख में आंसू भी ना देख सके नी और ना ही नन्ना सा जान के सांस रोक सके नी आप ही बताई माँ भला कौनो माँ इतना कठोर कैसे हो सकेली कि वो अपने ही हाथ से अपन बच्चा के आरती संभाला अपना आपके बेटा हम भी एगो माँ बानी और हम तो के ही सलाह ना देव कि तू अपन बच्चा के दुनिया में ना लावा लेकिन बेटा डॉक्टर की बात भी तो गलत ना है ना आरती माँ की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चन के जन्म देवे के ही ना होखेला बल्कि ओके पाल पोस के बड़ा करे के भी होखेला आरती माँ आखिरी दम तक माँ रहेली और बिना माँ के बच्चन के जीवन कैसन होखेला एक तोहरा से बेहतर और कोई ना समझ सकेला आरती तू मुश्किल घड़ी से गुजर रहा बड़ू बेटा अब अपना खातिर और मुश्किल मत खड़ा करो अभी तो यश जी के भी पता ना कि तू माँ बने वाला बड़ अब तू भी ना जाने लू कि खबर के सुन के वो कैसे रिएक्ट करी है ऊपर से ही प्रेगनेंसी से तो के जान के खतरा आरती डॉक्टर के बात मान ला और ये बच्चा के जन्म देवे की जिद मत करो बेटा भगवान हमके ये बात कहे खातिर माफ करे अबॉर्शन करा ला आरती ऐसे देख के हमके शर्मिंदा मत करा आरती हम जाने नहीं गो माँ होते हमके इतना कड़वा बात ना कहे के चाहे लेकिन आरती जब सवाल हमार बेटी की जिंदगी के हो तो हम कहीं कह सके नहीं इस स्वार्थ खातिर अपन माँ के माफ कर दिया आरती माफ कर दिया आप ही कहले रहनी ना माँ कि ये बच्चा हमार और यश जी के रिश्ता में एगो उम्मीद के किरण बन के आयल बा हमरा और यश जी के एगो अटीट संबंध में बांध के रखी ना 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 ना, ना ना। हमार और यश जी के रिश्ता के एगो नया पहचान दी ना 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 ना। फिर आप ही बताई माँ हमी ये उम्मीद के किरण के कैसे बुझे दी ना माँ हम डिसाइड कर ले बानी हम यश जी के सब कुछ सच सच बताते हैं वो ये मासूम के पिता बाड़े उनका पूरा अधिकार बस सच्चाई जाने के हरती माँ और हमरा के अपन गणपति बप्पा पर
पूरा निष्ठा बा। वो करिए हमार बच्चा और हमार रक्षा। और फिर इन नन्हा सजान उनकरे ता आशीर्वाद बा। आप बस हमेशा के जैसन हमार फैसला के साथ दी। राम दुलारे, किशन, कुसुम, कहाँ मर गए ले सब के सब? एगो आवाज में तो कोनो आवे ले ही ना। का भाई परिधि? भाभी, सारा नौकर कामचोर हो गए बड़े। देखी ना, पिछला एक घंटा से हमें कपड़ा धोवे खातिर रख ले रहनी। क्यों आए ले ना लेवे खातिर? क्योंकि तो फुर्सत ही नहीं खे। अब तो कपड़न में से बदबू भी आ रहा बा। हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होत। आवे तो सबके ऐसा खबर लेब ना। भाभी, ये लोग ना बिना डांट खाए कोनो काम ढंग से कर ही ना सकेले। परिधि शांति, सांस तो ले ला। इतना गुस्सा तुहार सेहत खातिर अच्छा ना। भाभी, जब ऐसा निकम्मा नौकर रखी है तो टेंशन कैसे ना होगी? परिधि, केहू की कोई गलती नहीं। राम दुलारे पिछला कुछ दिन से बीमार बानी और किशन अपन बहन के शादी में गांव गए बाड़े और कुसुम वो इतना बड़ घर के झाड़ू पोछा करते करते थक जायली और वॉशिंग मशीन भी खराब पड़ला। हम और आरती तो अपन हाथ से ही कपड़ा धो रहा बानी। तो एगो काम करा, ई कपड़ा के थोड़ा देर वॉशिंग पाउडर में भिगाला, थोड़ा देर बाद धो लिया। भाभी, हम कपड़ा धोई? हम? भाभी, हमार हाथ खराब हो जाई और अब तो हमार शो भी आवे वाला बा एंकरिंग के। हम स्टार एंकर हैं। हमके कैमरा फेस करे क्यों खेला, खुद के ध्यान रखे क्यों खेला? तो ठीक है, जब तक ही घर के नौकर वापस ना आ जाले तब तक ही बदबू के बर्दाश्त करे की आदत डाल। एडवाइस के लिए थैंक्स भाभी, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन खातिर एगो बात कह दी। इस शहर में ना लॉन्ड्री नाम की चीज भी हो खेला, ठीक बा? अब चाहे यश जी नाराज होके, चाहे जितना भी चिखियां चिल्लाई हैं, हम उनका प्रेगनेंसी के सच्चाई के बारे में बता के ही रहा। कहे कि इस सच्चाई के बाद ही हम ही मासूम के जान बचा पाई।